हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सीरीज में आज हम लोग एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जहाँ पे ए बी और सी हमारे इंटीजर वैल्यूज हैं। और अगर हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि जीसीडी ऑफ ए एंड बी विल डिवाइड सी, या फिर हम कह सकते हैं कि जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी। सो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये जो सी है दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी। सिंपली अगर आप इसको कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी। सो ये मेरा एक छोटा सा इक्वेशन है, और मुझे अगर ये इक्वेशन पता हो तो इस इक्वेशन से हम एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम। तो आइए हम लोग एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम को प्रोसीड करते हैं। आपको पता होगा कि जो जी सी डी हम फाइंड करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से, उसमें अगर मुझे ए और बी गिवन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ए जीरो है तो मेरा बी आंसर होता है, और अगर बी जीरो है तो उस केस में ए आंसर होता है। अदरवाइज हम जी सी डी रिकर्सिवली फाइंड करते हैं बी और ए मॉडुलस बी का, जिससे कि हमारे टर्म्स रिड्यूस होते रहते हैं। तो सिंपली अगर हम इसको रिकर्सिवली लिखने की कोशिश करें सो वी कैन से दैट द जी सी डी ऑफ ए एंड बी दिस इज इक्वल्स टू ए अगर बी जीरो है, और दिस इज इक्वल्स टू बी अगर ए जीरो है। अदरवाइज वी फाइंड आउट द जी सी डी ऑफ बी एंड ए मॉडुलस बी। सो ये यूक्लिड एल्गोरिथम मेरा कहता है, और इसी यूक्लिड एल्गोरिथम का हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड लेट्स से द जी सी डी इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए सॉरी बी कॉमा ए मॉडुलस बी। सो लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। इसके बाद आपको अगर ये इक्वेशन वन गिवन है तो आप इक्वेशन टू के हिसाब से और इक्वेशन टू और इक्वेशन वन की हेल्प से आप ऐसा लिख सकते हैं जी सी डी ऑफ बी एन ए मॉडुलस बी दिस इज इक्वल्स टू बी एक्स वन प्लस ए मॉडुलस बी वाई वन। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने जो फर्स्ट वाला इक्वेशन देखा उसका जो आर एच एस है वो जी सी डी ए बी है, और एल एच एस इसका ए एक्स प्लस बी वाई है। हमने इक्वेशन नंबर टू के ये जो इक्वेशन नंबर टू है इसके आर एच एस को इक्वेशन नंबर वन के एल एच एस के हिसाब से लिख दिया। सो लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ इसके बाद आपको ये पता होगा कि अगर आप ए मॉडुलस बी निकालना चाहते हैं सो लेट्स से मुझे सेवन मॉडुलस थ्री निकालना है। सो इस केस में ए सेवन है और जो बी है वो थ्री है। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर सेवन को थ्री से डिवाइड कर दिया जाए सो आपका आंसर टू आएगा, और अगर आप सेवन डिवाइड बाई थ्री मतलब जो आपका आंसर टू आ रहा है इसको अगर आप बी से मतलब थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर सिक्स आएगा, और अगर आप सेवन में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे सो ये आपका आंसर वन आएगा जो कि रिमाइंडर होगा। तो हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया है कि सेवन मॉडुलस थ्री विल बी इक्वल्स टू सेवन माइनस सेवन डिवाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ बी, सो वैल्यू ऑफ बी इज थ्री। सो अगर आप इसको ए और बी के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज मॉडुलस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाइड विथ बी। सो आइए हम ऐसा यहाँ पे भी लिख देते हैं कि अगर आपको फाइंड करना है ए मॉडुलस बी सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए माइनस ए डिवाइड बाई बी एंड मल्टीप्लाइड विद बी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। फिर इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ए एक्स प्लस बी वाई मतलब इक्वेशन नंबर वन से जो दैट इज इक्वल्स टू जी सी डी ए एंड बी, एंड सिंस इक्वेशन नंबर टू से हमने फाइंड किया था कि जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ बी मॉडुलस बी कॉमा ए मॉडुलस बी, और इक्वेशन नंबर थ्री से हमने फाइंड किया कि जी सी डी ऑफ बी कॉमा ए मॉडुलस बी इक्वल्स टू बी एक्स वन प्लस ए मॉडुलस बी वाई वन। सो वन और थ्री से फ्रॉम वन एंड थ्री वी कैन राइट दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स वन प्लस
ए मॉडुलस बी वाई वन। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 को फर्दर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अपना टारगेट नहीं बोलते हैं, हमें टारगेट में हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, और उसी को के सोल्यूशन के लिए हम इस तरह से एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो चूंकि हमने इक्वेशन नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें ये पता है कि जिसी ए मॉडुलस बी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम क्या करते हैं कि ए मॉडुलस बी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो वी नाउ हैव ए एक्स प्लस बी वाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं उनको हम कर देते हैं बी एक्स वन प्लस ए माइनस ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाइड विद बी इंटू वाई वन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करते हैं, और बी एक्स वन प्लस ए इंटू वाई वन माइनस ए बाई बी इंटू बी वाई वन। नाउ जहां पे ए है उसको हम अलग कर लेते हैं, और जहां पे बी है उस पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। तो उस केस में यहाँ पे आएगा ए इंटू वाई वन प्लस बी, बी को अगर हम बाहर ले लें तो वी कैन राइट इट लाइक एक्स वन माइनस ए बाई बी इंटू वाई वन। सो दिस इज दी फाइनल इक्वेशन दैट वी ऑब्टेन। और अगर इसके बाद अगर आप कंपैरिजन करें कोफिशियंट ए के और कोफिशियंट बी के, तो आप कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई वन एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स वन माइनस ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाइड विथ वाई वन। सो हमने सोल्यूशन अपना फाइंड कर लिया है एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से, एक्स और वाई की जो वैल्यूज है उसको फाइंड कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन प्रोग्राम चूंकि हमारा रिकर्सिव होगा इसलिए हम काम कर सकते हैं कि जो बेस कंडीशन है उस रिकर्सिव प्रोग्राम की हम डिसाइड कर लेते हैं। तो बेस कंडीशन को डिसाइड करने के लिए मान लीजिए कि बी की वैल्यू हमारी जीरो है, तो अगर बी की वैल्यू जीरो होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस जीरो इंटू वाई इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा जीरो। ये हम इक्वेशन नंबर 1 से लिख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए एंड बी। जो कि ये वाला टर्म जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा जीरो। बेस कंडीशन से यूक्लिड एल्गोरिथम के आपको पता है कि अगर ए कॉमा जीरो का हम जी सी डी निकाल रहे हैं सो दैट विल बी इक्वल्स टू ए, इसलिए ए एक्स इक्वल्स टू ए होगा। दिस विल इम्प्लाई दैट कि एक्स की वैल्यू हमारी 1 है। फाइन, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो वाई की वैल्यू है वो जीरो होगी, क्योंकि बी का जो भी मल्टीप्लायर होगा वो जीरो ही हो जाना है। हालांकि वाई की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा मान रहे हैं कि वाई की वैल्यू हमारी जीरो है। तो हमारा यहाँ पे बेस कंडीशन एक बन गया कि अगर बी इज इक्वल्स टू जीरो है तो उस केस में एक्स इक्वल्स टू 1 होगा और वाई इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब चूंकि आप सोल्यूशन जब फाइंड कर रहे हैं तो आपको एक्स वाई के साथ साथ जीसीडी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जीसीडी को जानने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जीसीडी विल बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा 0, सो दैट विल बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए, सॉरी ए ओनली ए। तो हमने यहाँ पे ऑप्टेन कर लिया एक सोल्यूशन, या बेस कंडीशन के रूप में हमने ये सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है, और बेस कंडीशन हमारी हेल्प करेगा फाइंड आउट करने के लिए अदर वैल्यूज को। तो जब हम इसका कोड करेंगे तो कोड करते समय हमें दो तीन चीजों का ध्यान देना है। तो आइए इसको हम एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं जिससे कि कोडिंग हमारी आसान हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी। तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो गिवन क्या होगा, ए गिवन होगा, बी गिवन होगा और जी सी डी गिवन होगा। तो हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, लेट्स से स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, और लेट्स से इस स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें तीन वैल्यूज हैं। तो उसमें एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं और एक जी सी डी वैल्यू ले लेते हैं। इसके बाद जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे होंगे तो हमें एक बेस कंडीशन लिखनी होगी,
और जो बेस कंडीशन है वो ये कह रही है कि अगर बी की बी इक्वल्स टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी, वाई की वैल्यू जीरो, और आपको ये पता है कि जो जीसीडी की वैल्यू होगी वो ए के इक्वल होगी। तो ये हमारी बेस कंडीशन होगी। इसके अलावा हमें ये पता है कि एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम का जब आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो आपको एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करनी होगी जिससे कि आप इसको रिड्यूस कर सकें। रिड्यूस आप कैसे कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक्सटेंडेड डबल ई का मतलब एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम है और ए और बी की वैल्यूज के साथ आपने इसको कॉल किया है, तो आप इसको रिड्यूस कैसे करेंगे कि आप एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम कॉल कर लीजिए बी कॉमा ए मॉडुलस बी के साथ। आपने देखा था कि यूक्लिड एल्गोरिथम में जीसीडी को रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते थे, और चूंकि इसी क्वेश्चन का हम इसमें यूज करने जा रहे हैं और इसी की हेल्प से हमने सोल्यूशन भी फाइंड किया, तो मान लीजिए कि इसका इससे जो हमें आंसर मिले दैट इज इक्वल्स टू आंसर। और जो फाइनल सोल्यूशन है वो हम कैसे सेट करेंगे, फाइनल सोल्यूशन सेट करने के लिए लेट्स से ये जो हमारा आंसर है वो रिड्यूस करके आंसर आया, जो फाइनल आंसर हमें देना है लेट्स से उसका मतलब है एफ आंसर, एफ आंसर का मतलब है फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर में तीन वैल्यूज हमें सेट करनी होगी, ए बी या हमें ट्रिपलेट के फॉर्म में रिटर्न करना होगा। तो ये जो ट्रिपलेट है, एक छोटी सी गलती हमसे हुई कि ट्रिपलेट में हम एक्स और वाई की वैल्यू लेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज हमें सेट करनी होगी। सो इसमें मुझे एक्स की वैल्यू कैसे सेट करेंगे, आपको पता होगा कि जो जीसीडी होगा ए बी का वही जीसीडी होगा ए सॉरी बी कॉमा ए मॉडुलस बी का, तो इसलिए मैं कह सकते हैं कि एफ आंसर जो आपने लिया या जो फाइनल आंसर है उसका जो जीसीडी वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ जो हमें इनिशियल वैल्यूज गिवन है ए और बी की। तो इसका मतलब क्या है कि ये आप कह सकते हैं कि जो प्रीवियस सोल्यूशन आपने फाइंड किया था आंसर उसमें उसका जो जीसीडी वैल्यू है वो इस वाले जीसीडी के इक्वल होगा। फिर इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो आपको अगर आपको वो इक्वेशन याद हो कि हमने क्या कहा था कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए वाई वन प्लस एक्स वन माइनस ए बाई बी इंटू वाई वन और दिस वाज मल्टीप्लाइड विद बी। इससे इसी से हमने कोफिशियंट्स को कंपेयर किया था। सो ए एक्स और ए वाई वन को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर आपके पास वाई वन की वैल्यू है तो आप एक्स की वैल्यू सेट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे कहेंगे कि फाइनल आंसर डॉट एक्स इज इक्वल्स टू जो आपने आंसर पहले फाइंड किया था उस आंसर का वाई वैल्यू, और वाई को फाइंड करने के लिए बी के साथ में जो वैल्यू लगी हुई है प्रीवियस आंसर में उसको सेट करेंगे। सो एफ आंसर डॉट वाई इज इक्वल्स टू आंसर में आपको फाइंड करना है आंसर डॉट एक्स माइनस जो ए बाई बी की वैल्यू आप उसको रख दीजिए देन मल्टीप्लाइड विथ आंसर डॉट वाई, तो इसी हिसाब से आप वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चूंकि हमने एक कंटेक्स्ट सेटिंग कर ली है तो आइए अब इसको कोड करके देखते हैं। सही, तो मेरा छोटा सा कोड है, इस कोड में आप देखिए कि हमने ट्रिपलेट सेट कर लिया है एक्स वाई और जी सी डी। इसके बाद फिर हमने स्ट्रक्ट ट्रिपलेट का नाम चेंज करके ट्रिपलेट कर लिया जिससे कि हम सिंपल ट्रिपलेट का यूज कर सके जहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट हो। ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, ये एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम है मेरी जिसका जो रिटर्न टाइप है वो ट्रिपलेट है। इसमें क्या पैरामीटर पास किए गए, ए और बी पास किया गया है, इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू को निकालेंगे। ये बेस कंडीशन मेरी है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर बेस कंडीशन में हमें सेट करना है तो हम बी इक्वल्स टू जीरो को बेस कंडीशन मान लेते हैं, और इसमें मान लेते हैं कि इससे जो हमें आंसर मिलेगा वो ए एन एस होगा और आंसर का एक्स वैल्यू वन होगा, आंसर का जी सी डी ए के इक्वल होगा एंड आंसर का जो वाई है वाई वैल्यू होगा वो जीरो होगा। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम फिर से देख लेंगे, तो अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए एन बी है और हमने मान लिया है कि जो बी की वैल्यू है वो जीरो है, हम कह सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा जीरो, और जी सी डी ऑफ ए कॉमा जीरो ए के इक्वल होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू वन है। तो हमने पहले एक्स की वैल्यू वन सेट कर लिया,
फिर उसके बाद जीसीडी ऑफ ए कॉमा जीरो की वैल्यू ए के इक्वल होगी वो हमने सेट कर लिया, और चूंकि हमने माना है कि बी की वैल्यू जीरो है तो हमने वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो अज्यूम कर ली है, तो वाई की वैल्यू जीरो हो गई। तो ये हमारा बेस कंडीशन हो गया, और इस बेस कंडीशन के बाद हमने रिड्यूस किया यूक्लिड एल्गोरिथम, एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम को कॉल करके फर्दर, और जब रिड्यूस किया तो आप देख सकते हैं कि एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम बी कॉमा ए मॉडुलस बी के साथ हमने रिड्यूस किया है। इसका जो भी आंसर आ रहा है उसको रिड्यूस्ड में एक्सेप्ट कर लिया, ये भी एक ट्रिपलेट है, और ये मेरा फाइनल आंसर है ए एन एस। चाहे आप इसको ए एन एस आंसर ले लीजिए, चाहे आप इसको फाइनल आंसर ले लीजिए, क्योंकि हमने फाइनल आंसर लिया था तो हम इसको यहाँ पे फाइनल आंसर वगैरह मिलते हैं। तो लेट्स से दिस इज एफ आंसर, और फाइनल आंसर का जो जीसीडी होगा वो रिड्यूस्ड वाले के जीसीडी के इक्वल होगा, फाइनल आंसर का जो एक्स होगा वो रिड्यूस्ड वाले के वाई के इक्वल होगा, फाइनल आंसर का जो वाई होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रिड्यूस्ड वाले का एक्स माइनस ए बाई बी मल्टीप्लाइड विद रिड्यूस्ड वाले का वाई, और फाइनली आप ये जो फाइनल आंसर है उसको आपको रिटर्न कर देंगे। तो आइए हम इसको कॉल कर देते हैं। कॉल करते हैं तो हमारे पास एक ट्रिपलेट है, वो आंसर है मेन में, और हमने एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम को कॉल किया है 4 और 8 वैल्यू के साथ। 4 और 8 का जो जीसीडी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टू सॉरी दैट विल बी इक्वल्स टू 4, और बाकी वैल्यूज हमारा ये फंक्शन फाइंड आउट करके देगा। इस लाइन को इग्नोर कीजिए, आइए इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो जीसीडी वैल्यू है वो 4 है, एक्स की वैल्यू 1 आई है, और जो वाई की वैल्यू है वो 0 है। प्रिंटिंग कैसे किया था, प्रिंटिंग वाली लाइन को अगर हम एक बार देखने की कोशिश करें, जो प्रिंटिंग वाली लाइन हमारी है वो कह रहा है कि मुझे प्रिंट करना है जीसीडी फॉलोड बाई एक्स देन फॉलोड बाई वाई। ट्रिपलेट के फॉर्म में आंसर मिल रहा है, उसमें 3 वैल्यूज हैं, उन 3 वैल्यूज को हमने वन आफ्टर दी अदर प्रिंट करके देख लिया है। एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको देखते हैं। लेट से हमारे पास जो ए और बी की वैल्यू है वो 5 और 7 है, इस केस में इन दोनों का जो जीसीडी आएगा दैट विल बी 1, और बाकी वैल्यूज ये फंक्शन कंप्यूट करके देगा हमें। वी हैव जीसीडी एस 1 एंड देन एक्स एस 3 एंड वाई एस -2। इन दिस केस वी हैव सॉल्व द एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, और मेरी नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा जिसमें हम लोगों ने एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो इनवर्स को फाइंड करने के लिए यूज किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।